मेरी दीवानगी में निर्मल पांडे आपका खैर मकदम करता है। प्यार जब हद से गुजर जाए तो बन जाती है दीवानगी, और ये दीवानगी कहीं किसी को बेजान कर देती है तो कहीं दीवानगी में लोग मिट जाते हैं। नीतू और नितिन बचपन से ही साथ साथ खेले, एक दूसरे के एहसास को लड़कपन से ही जान लिया, और जब बड़े हुए तो लाजमी था प्यार हो गया। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को हे मैं जाऊं वारी वारी। मेरी दीवानी हो गई हो। ये दीवानगी आज की थोड़े है, बरसों पुरानी है। ये दीवानगी कहीं जान ना ले ले। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, हम दोनों एक होंगे। मेरी पार आता है कि है ना। बचपन से कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो एक सेंस ऑफ कमिटमेंट, एक सेंस ऑफ बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अथाह थी, बहुत ज़्यादा तीव्र थी, बहुत ज़्यादा फोकस थी। नीतू और नितिन जम्मू के गांव नगरी परोल के रहने वाले थे। नीतू के पिता जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज में SSP थे, नितिन के पिता गाँव में हेडमास्टर। पूरा गांव नीतू और नितिन के प्यार के बारे में जानता था, और उन्हें यह भी मालूम था कि इस दीवानगी की डगर कांटों से भरी है, क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग थी। नितिन जात से ब्राह्मण था और नीतू दलित। डर समाज का नहीं है, लेकिन प्यार का आभास इतना ज्यादा है, कमिटमेंट इतनी ज्यादा है कि व्यक्ति कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने से हिचकिचाता नहीं है, घबराता नहीं है। आ गई तू? आ तो गई हूँ नितिन, पर हम कब तक यूँ छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अगर कभी मेरे पापा मुझे यहाँ से ले जाएंगे तो तुम नाचा की तरह इन गलियों में फिरते रहना। अरे पगली, इतना आसान है हम दोनों को अलग करना? तुम बस बड़ी बड़ी बातें करते रहना। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। नितिन, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, मेरे भरोसे को मत टूटने देना। हे मैं जाऊं वारी वारी। हमने लड़की को कई बार पकड़ा भी है, हमारे घर में नहीं आना है तूने। एक दो बार उसको हमने बाहर भी निकाला, पर फिर भी वो बार बार आती थी। नीतू, हाँ? इतनी बार तुझे समझाया तो फिर भी उसी से मिल रही है? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ उसको। चोट मुझे लगती है, दर्द उसे होता है। माँ कल मुही तो हमें ये जगह ही छोड़ के जाना पड़ेगा। चल मेरे साथ, चल। नीतू अपनी माँ के साथ जम्मू चली गई, जहाँ उसके पिता करनैल सिंह की पोस्टिंग थी। प्यार के अलावा जीवन नहीं है। अगर ये रिश्ता है तो जीवन के मायने हैं, अगर ये रिश्ता नहीं है तो जीवन के मायने नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी कर जाने की चाहत होना,
कुछ भी कर जाने की दिलेरी होना ये कोई बहुत असमंजस की बात नहीं है। एक आशिक जब दीवाना होता है तो उसकी दीवानगी के सामने सारी दुनिया मिट जाती है। नितिन जम्मू क्या अरे सपने हैं भूखे कि करवट फट पड़ेगी है। नितिन और नीतू फिर मिले और ऐसे मिले जैसे सदियों से बिछड़े हों। नीतू रोती रही और नितिन ने भी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की। पर उन्हें कोई देख रहा था। पता नहीं ऊपर वाले ने ये दिल क्यों बना दिया। बनाना तक तो ठीक था, उसे प्यार करना क्यों सिखा दिया। नीतू और नितिन की दीवानगी अब क्या देखने वाली थी, देखते हैं एक ब्रेक के बाद। अब तक हमने देखा कि नीतू और नितिन किस कदर प्यार में दीवाने हैं। और दीवानगी का आलम यह है कि नितिन नीतू के पीछे पीछे जम्मू चला है। नीतू के घर वालों के लाख विरोध करने के बावजूद वो उनसे मिला, पर नीतू और नितिन के बचपन के दोस्त नरेश ने उन्हें मिलते हुए देख लिया, जो बतौर SPO करनैल सिंह की कोठी पर तैनात था। यार तू मुझे बोल देता, मैं नीतू को ले आता। तुम तो डरो मत, मैं हमेशा की तरह तुम्हारे साथ। तुम्हारा प्यार जरूर सफल होगा। जान चली जाएगी पर दोस्ती नहीं जाएगी। तुझ पे ही भरोसा है। नितिन और नीतू अब अक्सर मिलने लगे। और नरेश हमेशा की तरह उनकी मदद करता रहा।
पता नहीं कैसे नीतू के घर वालों को उनके मिलने जुलने की खबर मिल गई। हो गया, अब फैसले का वक्त आ गया है। हम शादी करें। और आज ही चलो। सभी गांव को पता है, हमारे नगरी के सभी गांव को पता है, एक एक बच्चे बच्चे को पता है कि इनका आपस में प्रेम था। दोनों ने शहर छोड़ दिया, वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ गए। एक जुनून सा बन जाता है कि मेरी हार या जीत रिश्ते की हार या जीत नहीं है, हार या जीत जीवन की हार या जीत है, क्योंकि इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस कदर हो चुकी है कि अगर ये रिश्ता नहीं तो जीवन का मायना नहीं, क्योंकि फिर मैं हार गया हूँ। इस रिश्ते में नहीं हारा हूँ, मैं जीवन में हार गया हूँ। आप मालिक हैं, मालिक हैं, आप जो चाहे आप कर सकते हैं। आप अपनी बेटी को समझाइए ना। बचाओ मुझे। मेरे भाई को किया, मेरे पिताजी को किया, मेरे घर के सभी सदस्यों को उन्होंने परेशान किया। तो हमने क्या किया कि मैं अपने माँ बाप को लेकर SSP यानी बिलिम था उस वक्त हमारे कठुआ में डिस्ट्रिक्ट, हाँ हाँ प्रेजेंट थे, हम गए थे उनके पास और पोसवाल के पास ही मैं गया था।
तो उन्होंने इसमें कोई रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने, कोई रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने। हाँ जी पिताजी, बोलिए। आप क्या चाहते हैं? आप क्या परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं? बच्चे रास्ते को छोड़ दो, आप उसका पीछा छोड़ दो। आज मालूम है क्या हुआ मेरे साथ? क्या आज वो लोग आए धमकी दे के गए, मुझे बहुत बुरी तरह से। करनैल सिंह का ये रूप देखकर नितिन के परिवार वाले बुरी तरह से डर गए और उन्होंने नितिन को सलाह दी कि वो तुरंत नीतू को उसके घर छोड़ाए। बाद में जब करनैल सिंह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो हम सब उसे मनाने की कोशिश करेंगे। वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ, मैं जल्दी वहां पर आ रहा हूं, पर नीतू को साथ लेकर आऊंगा। उसकी सोच में कोई कमी आई, कहीं भी उसकी सोच किसी तरह से क्षीण हुई या वीक हुई, वो बिल्कुल स्पष्ट था। ही वॉज क्लियर कि उसको इस रिश्ते को लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाना है, लेकिन वो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा था और जिस तरह की परिस्थिति सामने आती है उस वक़्त एक फैसला करना ज़रूरी होता है। चल बुल्ला चल ओथे चलिए। वो दोनों वापस लौट गए पर इस वादे के साथ कि वो फिर मिलेंगे। ना कोई साड़ी जात पिछाने, ना कोई सानू मन्ने। इतनी मुश्किलों और बंदिशों के बावजूद क्या नितिन और नीतू मिल पाएंगे? क्या उनका प्यार अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा? देखते हैं एक ब्रेक के बाद। जम्मू के रहने वाले नीतू और नितिन एक जाति के नहीं थे और यही बात उनके प्यार की दुश्मन हो गई। शादी करने के बावजूद दोनों को अपने अपने घर वापस जाना पड़ा क्योंकि नितिन के घर वालों को बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। एक प्रेमी, एक पति, एक दीवाना अपने दिल को समझा नहीं पाया और वो नीतू से मिलने के लिए बेकरार रहने लगा। उसने कई बार नीतू से मिलने की कोशिश की लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लगी। बच्ची की सोच को जो जो अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी उसको नहीं समझ पाए एंड दे केप बिलीविंग कि बच्ची नादान है, वो ढंग से नहीं सोच पा रही और इसके चलते आई थिंक ये दिमाग ने कभी इस बात को स्वीकारा ही नहीं कि शायद ये भी एक आउटकम है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब उनके बचपन का दोस्त नरेश उनकी मदद के लिए आगे आया। उसने नीतू से एक सिम कार्ड लेकर नितिन को दे दिया। हेलो 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 नीतू, नितिन कैसे हो? तुम कैसी हो नीतू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? से बात करेंगे। अब उनकी बातचीत फिर से शुरू हो गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ नीतू, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, खाना खाते हो टाइम पे? मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी बात करो, तुम कैसी हो? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बताया था कि मैंने उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लिया, उसकी लड़की के साथ, एसएसपी की लड़की के साथ। तो उन्होंने ये बोला था कि मैंने उसके साथ लव मैरिज कर ली है और मुझे डर भी है कि उन्होंने मुझे मार देना।
तू उसको कहते थे लड़के को कि भाई तुझे मारना अपना संभल गया। आगे तीन दो तीन दफ़ा उसको वार्निंग दे चुकी थी लड़के कि तुम बचा करना, जब उसको प्लान बनता होगा तो फौरन उसको इन्फॉर्म कर देती। अब तुम्हारे बिना नहीं जिया जाता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, तुम्हारे घर वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े, तुमसे ना मिलूं तो जान जाने रखते, और अगर तुमसे मिलता हूं तो जान चली जाएगी मेरे घर वालों की। नितिन, अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम चिंता मत करो, अब मैं अपने प्यार के लिए हर लड़ाई लड़ूंगा, अब ये दीवान की आर पार की। तो जब दिमाग इस सोच को अपने सामने रख लेता है कि अगर मैं मिट भी जाऊं और फिर भी इस रिश्ते को अंजाम देने की कोशिश करूं, तो दोनों में से अगर एक फैसला करना हो तो कहता है कि मुझे पहला फैसला भी मंजूर है कि मैं मिट जाऊं, और उससे वर्स उसको लगता है नहीं हो सकता, तो फिर उसको किसी भी रास्ते से गुजरने के लिए कोई भी पीड़ा नहीं होती, किसी भी तरह का डर नहीं लगता। नितिन आप नरेश, अब तेरा ही सारा यार, किसी तरह मुझे अनिल को। अरे यारा, जान चली जाएगी पर दोस्ती नहीं जाएगी, मैं हूं ना, चल आ। पुलिस का महकमा एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का महकमा है, क्योंकि यहाँ भी पावर के साथ अग्रेशन आता है, तो उस पावर और अग्रेशन को अगर सही ढंग से चैनलाइज ना किया जाए तो कहीं आप इस बात का एहसास अपने अंदर पनपने देते हैं कि आप फैसला करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मैंने बहुत दोस्त जान चली जाएगी पर अपने घर को चला जा, 24 अगस्त की बात है, ये बात है 9:30 बजे की, ये अपने घर को चला जा, मेरे माँ बाप ने तेरे को मरवाने की साजिश रच चुकी है, नहीं तो आज नहीं तो कल तेरे को वो मरवा डालेंगे। मैंने बोला यार तू घर को वापस आ जा, तू क्या कर रहा है वहाँ पे। बस देखा वही लाज थी पड़ी, उसके मुँह पर छोंदा नहीं था, उसका पहचान नहीं सकता था, उसके जो साइन थे वो निशान थे, कपड़े थे, ये कोई लव अफेयर का मसला था, और एक दो पुलिस अधिकारी भी उसमें शामिल थे, और हमने पूरा इन्वेस्टिगेट करके इसको तो कोर्ट में चालान पेश कर दिया। ये थी नीतू और नितिन की कहानी, जो बने थे एक दूसरे के लिए, पर उनकी जाति एक नहीं थी, हैसियत एक नहीं थी। समाज के खोखले कायदे कानूनों पर आखिर कब तक नौजवानों की बलि चढ़ती रहेगी? अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं या आपके शहर में कोई ऐसी दीवानगी हुई हो तो आप हमें SMS करें 53636 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं
shivangi@liveindia.tv. अलविदा। नीतू की मां रत्नो देवी और नरेश समेत 8 आरोपी जेल में बंद हैं। नीतू के पिता करनैल सिंह मेडिकल के आधार पर जमानत लेकर बाहर हैं। नितिन का परिवार आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। नीतू गुमनामी की जिंदगी जी रही।